तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। किसान है तो किसान हो तो किसान की तरह जीना सीख जाओ, ना पता हो तो आपने देखा होगा। इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब यार सभी की मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को, तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद जय भारत और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार, हाथ जोड़ के विनती। बताना जरूरी है जब तुमने देख लिया तभी मैनपुरी, जब देख लोगे कलकत्ता। अच्छा बताएं मैनपुरी में है तो क्या चुनावी माहौल क्या चल रहा है? और जनता में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मुझे दिखाई दे रहा है और जनता जो है बीजेपी के लिए कितने पैसे मिले बीजेपी से बार बार तो उसका नाम ही लेते हैं। किसका किसका रिस्पॉन्स है यहाँ? ये पहचान है नेताजी मुलायम सिंह की, पहचान ये धरती पहचान को ये लोग गए। वही तो कल योगी जी कह गए कि हमारा नेताजी के आशीर्वाद से मैनपुरी आजमगढ़ और रामपुर जीत गए, मैनपुरी भी जीत जाएंगे। तो डूब के मर जाना चाहिए कि सहारा लेना पड़ रहा है नेताजी का, डूब के मर जाना चाहिए। नेताजी के आशीर्वाद से सही, कम से कम गढ़ तो जीत गए आपके। क्या गढ़ जीत गए? गढ़ किसके हो? इलाके कुत्तों के होते हैं, शेर तो जब चलता है ना अकेला ही चलता है। शेर अकेला चल रहा है, अभी आएगा थोड़ी देर में शेर आएगा। शेर अकेला तो नहीं हो गया? देखिए शेर हमेशा अकेला चलता है, झुंड में तो सूअर चलता है। शेर अकेला पड़ गया क्या? नहीं शेर अकेला ना हो, शेर तो हमेशा अकेला रहता है। आपने देखा नहीं कभी शेर? तभी तो चुनाव हारा जा रहा है। कौन हार रहा? आपका शेर चुनाव हारे लगा था। शेर हमारा चुनाव नहीं हार रहा, हराया जा रहा। हराया जा रहा? कौन है? बीजेपी तो हरा रही। बीजेपी नहीं हरा रही। जब तेरा पिस्टल लगा दूं ना माइक पे छीन लूंगा। जनता ने भरपूर वोट दे रही है, पिस्टल लगा के वोट छीन लिया। छीन ले, आप देख नहीं रहे? आप इसी क्षेत्र में चले जाओ, इसी क्षेत्र में, और जाओ जगह जगह तुम्हें बैरियर लगे मिल जाएंगे। आए कहीं पाकिस्तान का चुनाव और आज बैरियर लगे को सपोर्ट करना पड़ जाए तो उस दिन मौत को गले लगाना अच्छा समझ नहीं है। जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, और सबसे बड़ी बात तो एक है, मैं बीजेपी का विरोध कर रहा हूँ, मुझे 1100 रुपए का सिलेंडर, और जो बीजेपी के तड़वे चाट रहा उसे भी 1100 का सिलेंडर। तो तड़वे क्यों चाटू? उन तड़वे चाटने वाले से पूछ ले क्या फायदा हो रहा भाई। नेताजी ने मैनपुरी को पहचान दी और मैनपुरी के लोगों ने नेताजी को नेताजी बना दिया। पैसा किसका है? आप लोगों का है। तो अगर अखिलेश भैया ने मेट्रो बना दिया तो कोई गलत काम किया? कभी भी ये लोग नेताजी के नाम का ढोंग न कर पाए, ये मेरी आपसे अपील है। प्रार्थना है, अब कुछ नहीं है आपके सामने। आपके अकाउंट में पैसा भेज देते हैं, सोचते हैं कि सब भरपाई हो गई, लेकिन सही मायने में कोई पढ़ा लिखा नौजवान घर बैठ के गांव बैठ कर के हिसाब लगाना, महंगाई से आपसे पैसा वसूल लिया और इसलिए महंगाई कर रहे हैं जिससे गरीबों में खुशहाली ना आ सके। याद रखना जब महंगाई बढ़ेगी खुशहाली के वालों को करने के लिए। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए।